Hello beautiful, welcome or welcome back. I hope you're doing really really well and welcome back to yet another most requested video. This one is on Numbers In ka number one clear filter sun essence. If you're interested then please keep on watching. First of all, ये इस तरह की outer packaging में आती है, बहुत ही प्यारी blue color की packaging है जिसपे almost सारा information mentioned है. And that's the inside tube packaging. Now, यहाँ पे आपको मिलता है 50 ml of product and this one retail for 2000 and something of the rupees, like 2030 से 2050 के आसपास की sunscreen का price है. But mostly आपको ये 30% के off पे 1500 के आसपास की पड़ जाती है from Macron Beauty. और इसको मैंने Macron Beauty से ही परचेज किया था और मुझे भी ऐसी 30-35% के ऑफ पे ही पड़ी है. तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे तो ये डेफिनेटली है. बट नाउ लेट्स सी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं, क्या ये प्राइस वर्थ है या नहीं. सो दिस वन हैज़ SPF ऑफ 50+ एंड PA यहाँ पे है 4+ जो हाईएस्ट PA रेटिंग है. दिस वन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन, UVA UVB रेज दोनों से प्रोटेक्ट करेगी. प्लस दिस वन इज नॉन कॉमेडोजेनिक, इट्स नॉट गोइंग टू क्लॉग योर पोर. ग्रेट फॉर सेंसिटिव स्किन, फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मूला है, अगेन अ प्लस. ऑक्सीबेंजोन एंड ऑक्टेनोजेट फ्री सनस्क्रीन है. ये इसके अंदर सारे ही न्यू जनरेशन फिल्टर्स डले हुए हैं. सो इंग्रेडिएंट लिस्ट इसकी काफ़ी लंबी है क्योंकि इसके अंदर उन्होंने यूज़ किए हुए हैं 49.8% ऑफ कामिंग हर्ब्स इन इंग्रीडियंट्स. देखते हैं क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं. ऑन द टॉप इसमें डला हुआ है लिकोरिश रूट वाटर, ग्रेट फॉर सेंसिटिव स्किन, ग्रेट फॉर ब्राइटनिंग. उसके बाद इसमें डली हुई है सेंटेला एशियाटिका, विच इज अगेन सूदिंग एंटीऑक्सीडेंट है. उसके बाद इसमें डला हुआ है एच कॉर्डाटा, अगेन सुपर ग्रेट फॉर एक्ने प्रोन स्किन. सेंसिटिव स्किन है, इरिटेटेड स्किन है, उसको सूद डाउन करने के लिए एच कॉर्डाटा इज अ ग्रेट इंग्रेडिएंट. उसके बाद इसमें डला हुआ है वाटर एंड देन दिस हैज प्रोपेन ड्यूर, विच इज अगेन अ ग्रेट हाइड्रेटर. देन दिस हैज न्यू जनरेशन फिल्टर्स, ऑर्गेनिक फिल्टर्स ही हैं. उसके बाद इसमें डाला हुआ है नियासिनामाइड, विच इज ग्रेट फॉर ब्राइटनिंग. देन इसके अंदर फैटी एसिड्स हैं और बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स हैं, फ्लावर्स के, रूट्स के, प्लांट्स के, लीफ रूट, बहुत सारे इसके अंदर एक्सट्रैक्ट डले हुए हैं. एक एक करने बोलूंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा. बट लाइक दे हैव सेड, दे हैव यूज्ड 49.8% कामिंग हर्ब्स. तो आप लगा सकती हो कि वही सब इसके अंदर डला हुआ है. एंड लास्ट में इसमें 3-4 तरह के हाइलुरोनिक एसिड्स डले हुए हैं. टेक्सचर ऑफ दिस वन इज रियली रियली लाइट, दे से इट्स असेंस, बट आई वोंट से कि हाँ ये असेंस लाइक टेक्सचर है. आई वुड कॉल इट जेल क्रीम टेक्सचर ओनली बिकॉज नोजल बहुत इसकी पतली है तो बहुत पतला सा निकलता है तो लोशन वाली फीलिंग आती है. बट जैसे आप इसको स्प्रेड करते हो ना तो ये जेल क्रीम ही फील होता है, वाटर की तरह स्प्रेड होता है एंड इंस्टेंटली सिंक इन हो जाता है. कोई हैवीनेस चिपचिप इसके साथ फील नहीं होती है, आफ्टर सम टाइम गायब हो जाता है आपकी स्किन से. बस हल्की सी ड्यूई फिनिश आपको फील होती है. डजंट इरिटेट द आईज, री एप्लीकेशन इज ईजी, डजंट पील ऑफ. सो एज सच इसकी लॉन्ग आर प्रोटेक्शन का तो मैंने टेस्ट नहीं किया. आई नो आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यूवी कैमरा ले लो, बट यूवी कैमरा बहुत ज़्यादा महंगा आता है, 15,000-25,000 के आसपास का. दैट्स एन इन्वेस्टमेंट जो मैं अभी नहीं कर सकती हूँ. हाँ, वंस वी रीच 100K और जैसे हमारा एड रेवेन्यू थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो देन वी कैन इन्वेस्ट इन यूवी कैमरा. तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियोज़ को सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सब्सक्राइब करें, हमारे व्यूज़ बढ़े, हमारी रीच बढ़े और एड रेवेन्यू हम ज़्यादा जनरेट कर पाएँ. बिकॉज इफ़ यू हैव बीन वॉचिंग मी सिंस लास्ट 2-3-4 months, आपको पता है हमने ब्रांड कोलैबोरेशंस भी कम कर दी हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं ले रहे हैं. पर अभी वो बजट में नहीं है, पर जब भी बजट में आएगा तो डेफिनेटली वो यूवी कैमरा ले लूँगी. बट आई लव दिस सनस्क्रीन, इट्स अ सूदिंग सनस्क्रीन. जब अप्लाई करते हो हल्की हल्की ठंडी ठंडी फील होती है. ये कामिंग सनस्क्रीन है बिकॉज ऑफ कोर्स इसके अंदर कामिंग इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं. बट हाँ, ये है कि नाउ आई डोंट प्रेफर प्योरली अ केमिकल सनस्क्रीन. नाउ इट्स नॉट बिकॉज कि हाँ फिल्टर्स कुछ ऑल्टर करेंगे या प्रेगनेंसी या लैक्टेटिंग वाला सेफ वाला, वो इशू नहीं है. जैसे मैंने फिजिकल सनस्क्रीन पिछले साल ज़्यादा यूज़ करी ना, तो उनमें जैसे कुछ एक टोन अप सनस्क्रीन है तो अभी मैं ज़्यादा आई एम जस्ट ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स दोज लाइक टोन अप सनस्क्रीन और मिनरल सनस्क्रीन जिनमें थोड़ा बहुत जैसे यू नो वो वाइट कास्ट तो नहीं बोलोगे उसको, बट वो ड्यूई सा फील जैसे आता ना, हल्का सा स्टोन अप इफेक्ट आता है, मैं वो ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ दीज प्लेन सनस्क्रीन्स. एंड यू गाइज नो आई प्रेफर अ हाइब्रिड सनस्क्रीन, नॉट अ प्योरली अ
ऑर्गेनिक सनस्क्रीन. सो दैट इज़ द ओनली रीज़न. अदरवाइज इट्स अ ब्यूटिफुल सनस्क्रीन. अगर आप केमिकल सनस्क्रीन लगाते हो, इफ़ यू प्रेफर दोज लाइट टेक्स्चर्स, देन आई थिंक गर्मियों के लिए दिस इज़ परफेक्ट. हाँ, जो मिनरल सनस्क्रीन्स हैं वो समर और चिपचिप के वेदर में थोड़ी सी हैवी हो जाती हैं, बिकॉज उनके टेक्स्चर थोड़े से हैवी होते हैं. उस टाइम पे इस तरह के टेक्स्चर कम्स वेरी वेरी हैंडी. और अगर आपको यू नो एक जैसे कवरेज वाला कुछ चाहिए, तो आप इसके ऊपर कोई भी यू नो टिंट लगा सकते हो या BBCC क्रीम लगा सकते हो, देन यू कैन मेक इट वर्क. इट्स अ ब्यूटिफुल सनस्क्रीन. थोड़ी सी स्लाइटली ऑन एक्सपेंसिव साइड है, बट हाँ, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट देन यू कैन गो फॉर दिस वन. बट हाँ, कीप द थिंग इन माइंड कि हमारी इंडियन मार्केट में भी काफ़ी सारे अच्छी अच्छी ऑप्शन है, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो. बट इफ़ यू रियली इंटरेस्टेड टू ट्राई दिस वन आउट, यू कैन. इट्स अ ब्यूटिफुल सनस्क्रीन. दैट इज इट गाइज, दैट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑन दिस सनस्क्रीन. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटल बिट हेल्पफुल. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.